फ्रेंड्स एंड वन सेकेंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अभी है आफ्टरनून का टाइम और आज है ट्यूजडे और कल था रथ यात्रा, रथ यात्रा। तो पूरी जगन्नाथ जो है वहाँ पे रथ यात्रा हर साल निकाला जाता है, तो हमारे वेस्ट बंगाल पे भी बहुत जगहों पे मंदिरों पे होता है, बट इस बार कोविड की वजह से शायद नहीं हुआ। कि रथ के टाइम पे बारिश हल्का फुल्का भी होना हो तो होगा ही। तो कल से यहाँ का वेदर बहुत ज्यादा ठंडा है, हल्का फुल्का बारिश हो रहा है, एकदम फॉगी फॉगी है चारों तरफ, क्योंकि पूना चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है और पूना का वेदर बहुत अच्छा है। बस अभी हमारे जाने के लिए और सिर्फ 3 दिन है, मतलब फ्राइडे को है हमारा टिकट, फ्राइडे आफ्टरनून को हम जा रहे हैं। मॉर्निंग पे भिंडी मसाला बनाई थी, भिंडी को थोड़ा बड़ा बड़ा करके कट करके ब्रेकफास्ट, मतलब अनुरोध लेके गए हैं टिफिन लंच के लिए, तो अनुरोध तो रोटी के साथ लेके गए हैं, हमारे लिए लंच पे है। और बनाई हुई सोयाबीन और दाल और राइस, बस सिर्फ रात को थोड़ा ऑमलेट बना लेंगे। तो आज वेदर इतना अच्छा है, ठंडा ठंडा है कि मिष्टू को ठंडी लग रहा है। आज मिष्टू का कल एग्जाम खत्म हो गया है, उस खुशी में आज इवनिंग में बनेगा बहुत ही अच्छा एक स्नैक्स, जिसका रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आफ्टर लंच अभी बहुत टाइम के बाद आपसे मिल रही हूँ। यहाँ पे सब कपड़ा निकाल के रखी हूँ अपना, और मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं लेके जाऊंगी क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत गर्मी है, तो हल्का फुल्का कुछ कुर्ती और एक दो टॉप बस लेके जाऊंगी, क्योंकि अननेसेसरी लगेज बढ़ा के फायदा नहीं है, क्योंकि कहीं उतना जाना नहीं है, कोविड की वजह से उतना कहीं घूमने घूमने भी नहीं जाना, इसलिए थोड़ा बहुत ही ड्रेस लेके जाऊंगी। और हम को लंच करने के बाद फिर से छोटी वाली भूख लग गई, तो हम लोग अभी लिटिल हर्ट्स एंजॉय कर रहे थे। जो लिटिल हर्ट्स है तो हमारे बचपन का है, बट तब ना इसके ऊपर बहुत चीनी होता था, अभी से ज्यादा, अभी चीनी कम हो गया, अभी शायद लोगों को डायबिटीज का प्रॉब्लम है ना इसलिए ज्यादातर। पैकिंग करते करते खाना भी चल रहा है, पैकिंग करते करते खाने से ज्यादा आइडिया आता है। अच्छा? क्या लेना है क्या नहीं, कपड़ा लेके जाएंगे उसको बाहर निकाल के रखिए, फिर उसके बाद पैकिंग कीजिए, तो आपका पैकिंग बहुत झटपट हो जाएगा। मैं हर एक चीज ना पाउच पे लेती हूँ, तब हर एक चीज बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज रहता है। अगर आप ऐसे ही बैग में फेंक फेंक के लोगे तो वो सब चीज हमको बाद में मिलता भी नहीं। तो एकदम चिमनी जो है चकाचक कर दिया है मैंने, क्योंकि जाने से पहले ये सब काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा कपड़ों का पैकिंग लगभग हो गया है, और अभी मिष्टू का कुछ मतलब सजना सवरने का पैकिंग हो रहा है, और मामा यहाँ पे तो ड्रेसिंग टेबल के मिष्टू के जो रेगुलर के हेयर बैंड्स है वो रखती है, इस बॉक्स में भी मिष्टू जो अच्छे हेयर बैंड्स है वो जो कम यूज़ करती है वो सब रखती है। हो गया बस चार, हाँ उसको बंद करो। ऐसे 3 पाउचेस में मिष्टू का सब क्लिप रहता है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो और इसमें भी है, इसमें ब्रेसलेट था, तो मिष्टू इसको खाली की है क्योंकि वो इसमें सब कुछ भर के लेके जाएगी, क्लिप भी और ब्रेसलेट जो जो लेना है, ज़्यादा कुछ मत लो मिष्टू, कहीं नहीं जाना है ब्रेसलेट ब्रेसलेट। डाल दो एक ही बार में, और ब्रेसलेट कितना सारा चूज करके रखी हो, 2। हाँ बस सफिशियंट, ये गडर भी अच्छा ले लो। रिस्ट वॉच, और ये मिष्टू का टाइटन का जूप का वॉच है, रिस्ट वॉच, तो ये बॉक्स पकड़ के लेके तो हाथ में पहन के जाओगे जाने के दिन। हाँ, ये बॉक्स मत लो, फिर वो जगह ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। बहुत सारे पाउचेस है बट ये नया है, मुझे हल्दी कुमकुम करते ना यहाँ पे सब, तो मुझे हल्दी कुमकुम पे मिला था जो मैं पहले घर पे थी वहाँ पे, तो मैंने ये कभी यूज नहीं किया और इसको मैं ऐसे लेती भी नहीं हूँ हाथ में, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं इसको अपना एक पाउच बना दूँ, क्योंकि इसमें 2 जिप है, पीछे 1 जिप है और सामने 1 जिप है। मम्मा मैं ये क्लिप को सुन रही हूँ। 3 लिपस्टिक ले रही हूँ और लिप बाम, 1 लिप बाम ले रही हूँ और 2 ऐसे क्लिप 3 क्लचर छोटे छोटे, और 1 बिंदी यहाँ पे ना ऐसा डिब्बा मिलता है बिंदी का कलरफुल, 1 बिंदी का छोटा कंटेनर और 1 क्रीम
बस ऐसे ही, मैं और कुछ नहीं लेने वाली हूँ, और आईलाइनर बस, और ये मेरा एक घड़ी, इसको मैं लेके जाऊंगी मिष्टू। अपने बैग में अपना पाउच घुसा दो और ये सबको जगह पे रख दो। तो अभी अनिरुद्ध भी आ गए हैं ऑफिस से, और मिष्टू को भी दे देती हूँ मैं उसका मन पसंदीदा खाना। 2-3 दिन से वो बोल रही है, मम्मा मुझे पास्ता बना के दो। पास्ता ज्यादातर व्हाइट सॉस में बनाती हूँ, बट आज मैं जैसे पास्ता बना रही हूँ फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, और क्योंकि उस दिन मैं पिज्जा पास्ता सॉस लेके आई थी, आपने देखा था, दिखाया था जिस दिन मैं पिज्जा बनाई थी उस दिन, तो वो सॉस को भी थोड़ा यूज करूंगी, तो व्हाइट सॉस में तो वो सॉस अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आज मैं टमाटर वो सब डाल के पास्ता थोड़ा स्पाइसी पास्ता बनाऊंगी। तो शावर लेते लेते हमारा पास्ता भी रेडी हो जाएगा, फिर हम सब मिलके एक साथ एंजॉय करेंगे। ये पास्ता बॉईल कर लिया है, मैंने यहाँ पे कट किया है एक बड़ा ऑनियन, एक बड़ा टमाटर बारीक कट किया है, एक बड़ा शिमला मिर्च, और यहाँ पे है 3 गार्लिक और एक बड़ा हरी मिर्च। मैं इसको दूंगी, इसलिए मैं मिर्ची थोड़ा कम दे रही हूँ। लास्ट में मैं थोड़ा, मेरे पास क्यूब नहीं है, क्यूब खत्म हो गया है, चीज दूंगी थोड़ा सा। अभी सब्जियां दे दूंगी, सबसे पहले मैं गार्लिक दूंगी, उसके बाद एक एक करके सब कुछ दूंगी। नमक दे रही हूँ, नमक बहुत ही कम, ताकि टमाटर और सब्जियों में थोड़ा सा नमक जाए। टमाटर जो है वो फुल्ली कुक है, अभी मैं इसमें सॉस दे दूंगी। पास्ता थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में ही है 3 लोगों का, तो यहाँ पे मिष्टू भी आ गई है, थोड़ा ज्यादा दे रही हूँ सॉस। चीज लास्ट में और अच्छा लगेगा, तो इसको थोड़ा अच्छे से कुक कर लेती हूँ हरी मिर्चा। इसमें टमाटो सॉस भी दे दूँ, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, इसमें पिज्जा पिज्जा स्मेल आ रहा है। हाँ, क्योंकि पिज्जा पास्ता सॉस है ना। बस अब इसको मैं मिक्स करके थोड़ी देर के 1-2 मिनट कुक करके फिर मैं जो पास्ता बॉईल करके रखती हूँ उसको दे दूँ। चीज जो है वो कट कट करके दे दूंगी, ताकि थोड़ा चीजी चीजी लगे, इसी तरह से बाकी भी दे दूंगी। देखिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी। बस हमारा पास्ता रेडी है। मैडम, आपके डिमांड में जो बनाया है वो कैसा बना है? यम्मी। तो ऐसा रोज रोज एग्जाम देना, रोज रोज मुझे बोलना, मैं बना दूंगी, और उसके लिए एग्जाम रोज रोज देना पड़ेगा। और बाबा उस तरफ खा रहे हैं। विश्व का लास्ट चल रहा है, कल होगा सुबह सुबह हमारा RT-PCR टेस्ट, तो उसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड कर रहा है। अनिरुद्ध भी हंस रहे उस तरफ बैठ के कि हम इतना पैकिंग कर रहे हैं, हम इतना प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब पिष्टू तो आप मानोगे नहीं, उसको नींद आ रहा है आफ्टरनून, तो मैं बोल रही हूँ सो जाओ, क्योंकि एग्जाम सुबह सुबह उठती है, वेदर भी ठंडा ठंडा है, लेकिन वो नहीं, मुझे पैकिंग करना है। क्या इतना पैकिंग करना है उसी को पता है। रिपोर्ट भी जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी के सिचुएशन के लिए, तो वही है, देखते हैं कल सुबह सुबह आएंगे जो टेस्ट करेंगे। अनुज ने बोला है रिपोर्ट आने के बाद वो पैकिंग करेंगे, और हम लोगों को 2-3 दिन पहले से बोल रहे हैं पैकिंग करो पैकिंग करो, और खुद बोल रहे हैं मैं रिपोर्ट आएगा उसके बाद मैं अपना पैकिंग करूंगा, क्योंकि लड़कियों का सामान ज्यादा होता है ना, लड़कों का क्या है, 4-5 चीजें डाल दो हो गया। अच्छा, तो चलिए आज इस वीडियो को ये एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट ऑल्सो।